नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं स्वाति और आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया गुणवत्ता संचालन कार्यक्रम का आयोजन। हज कमेटी यमुनानगर के मेंबर ने फारूक अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द करने की मांग। डीसी ने ली सभी विभागों के अधिकारियों की मीटिंग। अवैध माइनिंग कर रहे युवक की मौत को लेकर गुस्साए परिजन। सुपर वुमन क्लब द्वारा चलाए जा रहे मिशन पाठशाला के तीसरे सप्ताह का हुआ समापन। अतिथि अध्यापकों के समर्थन में एकजुट हुए कई संगठन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। जोगिंदर नगर में एक युवक ने की आत्महत्या। और अब गतिविधियां विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया गुणवत्ता संचालन कार्यक्रम का आयोजन। चार जिलों के 155 आरएसएस कार्यकर्ताओं ने लिया कार्यक्रम में भाग। जिला यमुनानगर जगाधरी की अनाज मंडी में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ विभाग के चार जिलों के स्वयंसेवकों द्वारा गुणवत्ता संचालन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने समाज को राष्ट्र प्रेम से जोड़ने के लिए एक शांति प्रिय संदेश के तौर पर एक विकास यात्रा निकाली, जो शहर के मुख्य चौराहों व बाजारों से होती हुई मानवता का संदेश देती वापिस अनाज मंडी जगाधरी पहुंची। शहर के हिंदू संगठनों ने फूलों की वर्षा करते हुए विकास यात्रा का स्वागत किया। उन्होंने बातचीत में बताया कि आरएसएस ही भारत में केवल ऐसा संगठन है जो लोगों में राष्ट्र भावना को उत्पन्न कर रहा है, जो समाज को राष्ट्र के प्रति सच्ची भावना के लिए प्रेरित करता है। समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन से राष्ट्र को मजबूती मिलती है। कार्यक्रम के आयोजकों का कहना है कि इस कार्य में लगभग 400 स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया गया था और इसमें चयनित स्वयंसेवक ही भाग ले सकते हैं। प्रसन्नता की बात है कि देश में जब जब आपत्ति आई, चाहे वो प्राकृतिक आपदाएं रही हो, चाहे और किसी प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां खड़ी हुई हो, ऐसे समय में कुछ लोग एकत्रित होकर के उन प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने में जो सदैव कार्यरत रहे और जिनकी प्रत्येक धड़कन भारत माता के लिए धड़कती है, ऐसा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसको विश्व में सबसे बड़ा संगठन कहा जाता है श्रेष्ठ लोगों का, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका नगर का एक प्रकार से संचलन का कार्यक्रम रहता है। एक प्रकार से नगर में जागृति आए राष्ट्र धर्म और समाज के प्रति, उसके लिए संचलन के आयोजन के लिए हम सब यहाँ उनके अपने हृदय से उनका स्वागत करने के लिए उपस्थित। विभाग अम्बाला विभाग का कार्यक्रम है और जिसमें अम्बाला विभाग के सभी संघ के कार्यकर्तागण उपस्थित रहेंगे। सभी तीन चार जिलों का अपना विभाग होता है, पंचकुला, यमुनानगर, अम्बाला, ये सभी एकत्रित होकर के, जगाधरी सहित, ये सभी एकत्रित होकर के आप देख रहे हैं सामने आपके ये छटा बिखरी हुई है और ये राष्ट्रभक्त लोगों का संगठन सामने से आ रहा है। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उनके स्वागत के लिए आ खड़े हैं। आज ये अम्बाला विभाग का गुणवत्ता संचरण जो है वो था। में चार जिले हैं, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, जगाधरी, तो उनका जो है चयनित स्वयंसेवकों का एक जो है पथ संचरण का कार्यक्रम था। ये अम्बाला विभाग का गुणवत्ता संचरण था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इस तरह के कार्यक्रम जो है ये नियमित होते रहते हैं और आज ये अम्बाला विभाग का गुणवत्ता संचरण था। इसमें चार जिले, अम्बाड़ा, पंचकुला, यमुनानगर, जगाधरी, इनके स्वयंसेवकों ने भाग लिया और ये चयनित स्वयंसेवकों का कार्यक्रम था। इसमें जो कार्यकर्ता जो है इनके संचरण में गुणवत्ता है, ऐसे जो है सिलेक्टेड कार्यकर्ता जो है उन्होंने इसमें भाग लिया और लगभग जो है वो पुणे 188 कार्यकर्ता इसमें आए थे, 155 कार्यकर्ता ही चाहिए। इस संघ का जो है एक नियमित कार्यक्रम इस तरह के हम संघ करते रहते हैं, अपना जो कार्यकर्ता की जो है उसकी गुणवत्ता बढ़े, उसके अंदर जो है समाज का काम करने की जो है प्रेरणा उसके अंदर जगे और समाज में अच्छा प्रदर्शन हम कर सकें, यही उसका उद्देश्य। हज कमेटी यमुनानगर के मेंबर ने फारूक अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द करने की मांग की। सांसद के भड़काऊ बयान देने के बाद भड़के अल्पसंख्यक नेता। जम्मू कश्मीर के सांसद फारूक अब्दुल्ला के तीखे बयान पर हरियाणा हज कमेटी के मेंबर नसीम खान ने उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। पिछले दिनों सांसद ने कई तीखे बयान दिए थे जिसको लेकर चारों तरफ आलोचना की गई थी। देश के कई नेताओं और बुद्धिजीवियों ने सांसद पर तंज कसे थे। नसीम खान ने कहा कि सांसद रहते और खाते भारत के हैं और गुण पड़ोसी मुल्क के गाते हैं, ऐसे देशद्रोही पूर्ण व्यवहार करने वाले लोगों के लिए यहां कोई जगह नहीं है, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब्दुल्ला जी कहते हैं अभी जम्मू कश्मीर जो है ये पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन भारत का मुसलमान ऐसे नहीं होने देगा। भारत का मुसलमान कहता है ये जम्मू कश्मीर भारत का है और भारत ही रहेगा। नहीं, ये जो लीडर हैं पॉलिटिकल, ये इसमें दिक्कत कर रहे हैं। वैसे आम जनता इसको
समाधान कर सकती है। केंद्र सरकार को यही सुझाव है, जैसे मोदी जी ने कहा था अभी ये जम्मू कश्मीर में हम शांति लाएंगे, वहाँ पे पत्थरबाजी करवाते हैं जो वहाँ के कुछ उग्रवादी हैं, वहाँ पे उन्होंने जो लश्कर ए तोबा है और कई संगठन है ऐसे जो पत्थरबाजी करते हैं वहाँ। मोदी जी ने कहा भी हम वहाँ पे शांति करेंगे, वहाँ काफ़ी सुझाव दे रखे हैं वहाँ पे और काफ़ी शांति बनी हुई है। वो इसलिए मोहताज रहे और इसलिए लोग जाना नहीं चाहते, वहाँ पे उग्रवाद ज़्यादा फैला रखा है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की सीमा लगते वहाँ पे बहुत ज़्यादा उग्रवाद है, इसलिए लोग डरते वहाँ जान सकते नहीं। फारूक अब्दुल्ला अगर भारत का तो भारत की करनी चाहिए, अगर वो पाकिस्तानी कहते तो पाकिस्तानी चले जाना चाहिए उसको। फारूक अब्दुल्ला तो चाहते नहीं, उसको तो देशद्रोही कहना ही ठीक होगा, वो तो हमारे अपने देश के खिलाफ बोल रहा, वो तो देश का गद्दार है, उसकी तो संसद जो सांसद बने हैं उसकी तो सदस्य भी रद्द होनी चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए उसके ऊपर। एक ऋषि कपूर जी है, हमारी मांग यही है भी ऐसे जो लोग हैं जो अपने देश के लिए गलत बोलते हैं उनका समाधान करना चाहिए, उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जो अगर वो पाकिस्तान की बात बोल रहे हैं तो पाकिस्तानी उन्हें चले जाना चाहिए यहाँ से। कुछ हम ऐसे चाहते हैं भी हम एकजुट हो जाएं, लेकिन ये जो फारूक अब्दुल्ला वर्गे हैं वो नहीं चाहते बिल्कुल भी। डीसी ने ली सभी विभागों के अधिकारियों की मीटिंग, बैठक में शहर में चल रही सभी योजनाओं की समीक्षा। इस महीने में वीकली आप कैंप लगाएं सटौरा में, रादौर में, सारी जगह। दूसरा, आपके जितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक जो पेंशन डिसबर्स कर रहे हैं उनसे आप रिपोर्ट लें कि आपका नंबर कितना है और डिसबर्सल क्या है। आज सुबह की शिकायत है रादौर में, जयपुर गांव में कम से कम 200 बुजुर्ग इकट्ठे हो रखे हैं जिनको ICICI बैंक ने पेंशन नहीं दी। अब उनका वो BCA लड़का होता है वो बांटता है, उसको तनख्वाह नहीं दी होगी बैंक ने, वो भाग गया होगा। सर उसमें मैं बताता हूँ, मैंने तो इसलिए जो आपके प्राइवेट बैंक या जो भी जो नियरेस्ट आपने बैंक फिक्स किया हुआ है सी वो टाइमली डिलीवर कर भी रहा है कि नहीं, तो इसको जरूर साथ चेक करें। भी जिनके बनी हुई है उनकी तो डिसबर्स होती रहे प्रॉपर, बहुत परमानेंट नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है, कभी कभी शिकायतें आती है। वो तो LDM साहब बैठे हैं, ये थोड़ा सा देख लें एक बार, ICICI बैंक से बात कर लें, जयपुर गांव में प्रॉब्लम है, रादौर में, सब डिवीजन में। लेकिन मैं इस प्रॉब्लम को इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं मानता, असल प्रॉब्लम मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि आपने लोगों की पेंशन बंद कर दी और उनके केस आप डिसाइड नहीं कर रहे, केस आप डिसाइड नहीं करें उनके, या गलत हैं तो उनको फाइनली रिजेक्ट करें ताकि वो चक्कर लगाना बंद करें। और दूसरी बात ये भी है कि भाई आप वेरिफिकेशन कर नहीं रहे हैं और पेंशन आपने बंद कर दी, ये बात गलत है। पहले आप वेरिफिकेशन करें, गलत है तो बंद किया, बिल्कुल ही बंद कर दें उसको, टेम्परेरी स्टॉपेज की बात थोड़ी है, तो परमानेंटली उसको कैंसिल करें आप, तो इस समस्या को आप ख़त्म करो। इस तरह से पेंट्स की बजाय आपने दूसरे आपके कॉर्निया वगैरह और दूसरी बातें हैं, या आपने जो कोई फिजिकल लेवल पर जाके आपने इसकी वेरिफिकेशन करनी है वो करें। इसके अलावा ये भी देखें कि ब्लॉक लेवल पर आप जाते हैं तो भाई स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं, ये समझ लीजिए आप, ब्लॉक ऑफिस में ये कार्यक्रम होगा और BDO जो है इनको सपोर्ट करेंगे। कोई फर्नीचर की बात है, बैठने की जगह की बात है, कोई पानी वानी की बात है और इस तरह की सुविधाएं इन लोगों को देंगे। ये कोई ये मत मानना कि ये इंट्रूडर हैं, ये बगैर बताए बगैर पूछे आपके ऑफिस में आ गए। जब भी ये प्रोग्राम बनाते हैं प्रोग्राम तो BDO को मिल जाएगा, लेकिन इनको आपने वहाँ पर सपोर्ट करना है, इनका जो कैंप होगा उसको कामयाब बनाने में आपने मदद करनी है। स्टाफ इनका है, काम इन्होंने करना है, लेकिन जगह आपकी है, फर्नीचर कोई कारपेट है, कोई और पानी, इस तरह की जो सुविधाएँ वो आपने प्रोवाइड करवानी है इनको। और स्टाफ की कमी जो है वो सक्षम युवा आप ले लें, जितने मांगेंगे मिल जाएंगे, लेकिन पेंडेंसी को आप खत्म करें। इसी तरह कुछ दूसरी स्कीमें उनमें इम्पेंडेंसी। अवैध माइनिंग कर रहे युवक की मौत को लेकर गुस्साए परिजन, पुलिस ने भड़के परिजनों पर काबू पाने के लिए छोड़े आंसू गैस के गोले। शनिवार को खिजराबाद में अवैध माइनिंग को रोकने पहुंची पुलिस से युवक बचकर भाग रहा था, जिससे युवक की ट्रैक्टर से गिरकर मौत हो गई। युवक के परिजनों ने उसकी मौत का जिम्मेदार पुलिस को ठहराया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस के पत्थर मारने के कारण युवक की मौत हुई है। परिजनों द्वारा लगाया गया जाम पुलिस के आश्वासन के बाद खोला गया, लेकिन रविवार को फिर एक बार पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने रोष जताया और पुलिस कार्यवाही से नाराज होकर हंगामा करते नजर आए। भीड़ ने धीरे धीरे उग्र रूप ले लिया, साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की।
कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए पुलिस ने बल प्रयोग के साथ गैस हवाई फायर कर भीड़ को खदेड़ा और शव को अंतिम संस्कार के लिए भेजा। इस बात पर एसपी राजेश कालिया और एसडीएम बिलासपुर ने बताया कि स्थिति को काबू में कर लिया गया है, साथ ही पुलिस का यही प्रयास है कि अवैध खनन को रोका जाए। उन्होंने कहा कि एसएचओ छछरौली के साथ हुई मारपीट के मामले पर कार्यवाही की जाएगी। देखिए, जैसा कि इस एरिया में, खिजराबाद एरिया में, आप जानते हैं कि कुछ माइनिंग के क्षेत्र हैं, माइनिंग जोन्स हैं, और कुछ जो आसपास गांव लगते हैं वो गांव वाले और कुछ और खनन माफिया हैं जो इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं, अवैध खनन की कार्रवाई करते हैं। तो जो कल जो इंसिडेंट हुआ वो भी इसी घटनाक्रम में रहा। जो ये मृतक है ये भी वहाँ पर अवैध खनन के लिए ही गया था, जो हमारे पास जानकारी है और जो अब तक तथ्य सामने आए हैं। तो उस ट्रैक्टर ट्रॉली से, जो इस ट्रैक्टर ट्रॉली पे वो अवैध खनन के लिए गया था, वहाँ से उससे गिर के उसके भागते हुए मृत्यु हुई है। क्योंकि पुलिस कार्रवाई के लिए पहुँच चुकी थी, पुलिस के पास इन्फॉर्मेशन थी, लोकल एसएचओ का इन्फॉर्मेशन थी कि वहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, और जो वो भागते हुए उस भगदड़ के दौरान वो ट्रैक्टर ट्रॉली से गिर के ट्रैक्टर के अपने ट्रैक्टर के नीचे ही आ गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी आ चुका है। कोई घटनाक्रम हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकती है, तो हमने सारी तैयारी कर रखी थी। तो आज सुबह ये लोग जो हैं दाह संस्कार ना करके रोड पे आके जो पुलिस के साथ टकराव की स्थिति में आ गए, उस टकराव के दौरान जो है कार्रवाई हुई है। जाम नहीं लगा है, बट टकराव में काफ़ी टेयर गैस शेल्स भी फायर किए गए हैं और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है और माइल्ड लाठीचार्ज भी हुआ है, उनकी तरफ से पथराव हुआ है। ग्रामीणों ने पथराव बहुत ज़्यादा किया, क्योंकि सारा एरिया ऐसा है जहाँ पे पत्थर ही पत्थर हैं, तो बहुत सारा पथराव किया, जिसमें हमारे काफ़ी मुलाजिमों को चोट भी लगी है। तो उसको देखते हुए हमें माइल्ड लाठीचार्ज करना पड़ा और भीड़ को तितर बितर करना पड़ा, और उसके बाद जो है अब सिचुएशन पीसफुल है, हम कह सकते हैं कि और अभी संस्कार भी हो जाएगा और सारी कार्रवाई ठीक हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल पर्चा दर्ज किया है। अगर किसी भी कानूनी प्रक्रिया में अगर अवरोध डालते हैं या फिर किसी कानूनी अधिकारी सरकारी मुलाजिम के साथ कोई दुर्घटना होती है, कार्रवाई जायज़ कार्रवाई करते हुए, तो उन प्रावधानों में जो है कार्रवाई की जाती है। तो कानून हमने उसमें भी FIR रजिस्टर की है, क्योंकि SHO छछरौली जो है बगल का एरिया खिजराबाद थाना के साथ, तो वो क्योंकि मौका के नज़दीक था, जब इन्फॉर्मेशन आई तो वो वहाँ पर पहुँचने लगे। जब पहुँचे तो वहाँ पर जाके जो भीड़ उग्र हो चुकी थी, तो भीड़ को ये मालूम नहीं था कि कौन है SHO है या कौन मुलाजिम है किसके, तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर को देख के उस प्रकार से कार्रवाई की और जो है हमला बोल दिया। युवक की डेथ हुई थी, उसके सिलसिले में हमने उनसे बातचीत की और उनको समझाया कि जो भी SP साहब से बात की गई, और ये कहा गया कि जिस अधिकारी कर्मचारी की जो अगर कोई इसमें पाया जाता है तो उसके उच्च स्तरीय जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी। इस आश्वासन पर उन्होंने कल जाम हमारा कहने पर खोल दिया था, और शाम को उस व्यक्ति का पोस्टमार्टम भी हो गया और शाम को डेड बॉडी वो लेकर घर भी आ गए थे। गांव के कुछ राती लोगों ने इस बात को बुनाने की चक्कर में, कुछ असामाजिक तत्वों ने इसमें कोई पुलिस पर आज फिर पथराव किया, जिसके दौरान बहुत से कर्मचारियों को चोटें आई। इस भीड़ को तितर बितर करने के लिए हमने हल्का आंसू गैस का प्रयोग किया, वाटर कैनन का प्रयोग किया और लाठी चार्ज भी किया, क्योंकि धारा 144 लगाई गई थी और उनको बार बार समझाया गया कि आप इस तरह के गतिविधि ना करें, ये कानूनन जुर्म है, परंतु वे नहीं माने। तो इस कानून व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए हमें ये कार्रवाई करनी पड़ी। अब स्थिति सामान्य है और संस्कार के लिए शव को ले जाया जा रहा है, उम्मीद है कि हमें अभी संस्कार हो जाएगा। सुपर वुमन क्लब द्वारा चलाए जा रहे मिशन पाठशाला के तीसरे सप्ताह का हुआ समापन। संस्था द्वारा बांटे गए बच्चों को ऊनी कपड़े। सुपर वुमन क्लब यमुनानगर द्वारा चलाए जा रहे मिशन पाठशाला के आज तीसरे सप्ताह का समापन हुआ। सुपर वुमन क्लब की अध्यक्ष गीता शर्मा ने सप्ताह के अंतर्गत सभी झुग्गी वासियों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की। गीता शर्मा ने बताया कि बच्चों को दी गई शिक्षा से उनका पढ़ाई की तरफ उत्साह देखने को मिला, साथ ही अन्य बच्चों ने भी उनके साथ बढ़ चढ़कर भाग लिया। मिशन पाठशाला के प्रभाव से 10 लड़कियों के माता पिता ने बच्चों का नाम संस्था में दर्ज करवाया। संस्था द्वारा बच्चों को ऊनी वस्त्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम में मोना शर्मा, मनदीप कौर ने पूरा सहयोग दिया। अतिथि अध्यापकों के समर्थन में एकजुट हुए कई संगठन। अध्यापकों की मांग को पूरा करने की विभिन्न संगठनों ने की वकालत। नौकरी से हटाए जाने के बाद लंबे समय से धरने पर बैठे हैं अतिथि अध्यापक। लंबे समय से धरने पर बैठे अतिथि अध्यापकों का कई संगठनों ने समर्थन किया। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने अध्यापकों की मांग को जायज ठहराया है।
संगठनों ने एक सुर में कहा है कि सरकार टीचर्स की जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। कुछ महीने पहले मौजूदा सरकार ने नियम का हवाला देकर सैकड़ों अतिथि अध्यापकों को नौकरी से निकाल दिया था, जिसके बाद अध्यापकों ने कई दिनों तक धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार से फिर से नौकरी पर बुलाए जाने की मांग की थी। इस दौरान अध्यापक नेताओं ने जिले और राज्य की कई नेताओं को ज्ञापन और पत्र लिखकर नौकरी पर लौटाए जाने की मांग की थी, लेकिन अध्यापकों को आश्वासन के सिवा अभी तक कोई भी समाधान देखने को नहीं मिल रहा है और यही कारण है कि अध्यापक लगातार अपने काम को छोड़कर धरने पर बैठ रहे हैं। रही है पीछे भी उन्हें लगवाए थे, उन्होंने वादा किया था कि जब भी हमारी सरकार आएगी आगे कानूनी ढंग से इनको लगा दिया जाएगा और पक्का कर दिया जाएगा और पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठाया जाएगा इस बात को। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये बात की थी इनसे उनके बीच में आकर के कि विधानसभा के अंदर आपकी बात को मजबूती से रखा दिया जाएगा, क्योंकि उनके साथ धोखा किया है। हरियाणा के अंदर नौकरी लगाने की बजाय नौकरी निकालने का काम कर रही है, तो ऐसी सरकार का विरोध करते हैं और ये मांग करते हैं इनको पुनः नौकरी पे लिया जाए। अगर नौकरी पे नहीं लिया, हम इनके साथ पूरी कांग्रेस पार्टी इनके साथ तन मन धन से इनके साथ संघर्ष करती रहेगी। आज आम आदमी पार्टी मुख्यमंत्री कोई इतना कहना चाहती है कि दिल्ली के तौर पे कम से कम अरविंद केजरीवाल जी ने क्या कुछ नहीं करके दिखाया। 15,000 गेस्ट टीचरों को अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली में ले सकते हैं तो हरियाणा का मुख्यमंत्री हमारे गेस्ट टीचरों को क्यों नहीं ले सकता, हम ये पूछना चाहते हैं इनसे। यदि मैं इतनी बात कहूं, यदि रिजल्ट देखा जाए स्कूल का, गेस्ट टीचरों ने जितना बढ़िया रिजल्ट दिया शायद इतना कभी किसी ने नहीं दिया और फिर निकाल दिया जाता है। आम आदमी पार्टी बहुत परेशान है। आम आदमी पार्टी में तो इतना कहूंगा कि कंवरपाल जी स्पीकर होकर के इतने बड़े पद पर बैठ करके आपके जिला यमुनानगर के 300 लड़कियों को बेघर कर दिया जाता है। आज हमारी बहनें सड़कों पर बैठी हैं, सर्दियों के टाइम में सड़कों पर बहनें बैठी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की याद में खेल प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, खिलाड़ियों से बाबा साहब के जीवन के आदर्शों को अपनाने का किया आह्वान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 61वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में तेजली खेल परिसर में खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने दौड़ लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेल का शुभ आरम्भ मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक पृथ्वीराज ने विधिवत रूप से किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के जीवन से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने उसूल व नैतिक मूल्यों का भाव रखकर देश और समाज हित में कार्य करना चाहिए। इस प्रतियोगिता में लगभग 1,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। ये जो युवा शक्ति है हमारे देश की, 12 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं, उन की प्रतिभाओं को आंकने के लिए एक अवसर प्रदान किया है। हमारे डेरा फरकपुर के संत श्री कंवरपाल सिंह जी ब्रह्मचारी का एक प्रयास है और कंवरपाल सिंह ब्रह्मचारी जी को मैं संत का मानता हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा मानता हूँ। वो बहुत अच्छे अच्छे सामाजिक कार्य करते रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और आगे भी उनकी प्लानिंग यही है कि किस प्रकार हमारे जो युवा हैं, युवा शक्ति, इनको बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से किस तरह से इनको स्ट्रॉन्ग किया जाए और देश के लिए, ताकि ये बड़े होकर अच्छे अच्छे इंसान बन सकें, अच्छे लीडर बन सकें। ये कंवरपाल जी का एक हमेशा ये प्रयास रहता है और हम इनके इस प्रयास में हमेशा इनके साथ रहते हैं और आज भी हम इनके साथ हैं और आइंदा भी इस तरह की जो भी ये योजनाएं बनाएंगे हम भरपूर इनका साथ देंगे और हम चाहते हैं कि जो हमारा युवा है इस देश का, वो जो कई तरह की जो आजकल डिस्ट्रैक्शंस हैं, बुरी आदतें हैं, उनसे हटकर एक अपने शारीरिक सौष्ठव की तरफ भी ध्यान दे, शरीर को बनाए और ताकि ये सब बच्चे बड़े होकर शक्तिशाली देश का, भारत का निर्माण कर सकें। ये कार्यक्रम आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 61वें परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किया है। इसका मुख्य उद्देश्य युवा शक्ति को इकट्ठा करना और जैसा अभी पृथ्वीराज जी ने बताया, शारीरिक बौद्धिक रूप से जब युवा शक्तिशाली होगा तो हमारा देश स्वयं ही शक्तिशाली हो जाएगा। हमें अगर राष्ट्र की उन्नति करनी है, देश की उन्नति करनी है, तो हमें युवाओं का स्वास्थ्य और उनका बौद्धिक स्तर बढ़ाना होगा। इसके लिए एक पहल है। इसमें हरियाणा से हमारे 5-6 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं, यूपी से भी बच्चे आए हैं और
यूपी के 3 जिलों के यहाँ पे बच्चे आए हैं। कार्यक्रम के माध्यम से संपूर्ण समाज के लिए एक ही मैसेज है, हर प्रकार के भेदभाव को छोड़कर जिस प्रकार से यहाँ सभी बच्चे आ रहे हैं, सभी अभिभावक आए हुए हैं, तो हर प्रकार के भेदभाव को छोड़कर एकजुट हो जाएं, इकट्ठा रहे और राष्ट्र की देश की उन्नति के बारे में प्रयास करें। जोगिंदर नगर में एक युवक ने की आत्महत्या। पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था युवक। जोगिंदर नगर निवासी सौरभ ने बीती रात 8 बजे अपने घर पर फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। 28 साल का सौरभ एक ऑटो चालक था। सौरभ के परिजनों का कहना है कि वह पिछले काफी समय से मानसिक रूप से परेशान था, जिसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। मामले में पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया है। कल रात को 9:30 बजे के आसपास फोन आया कि जोगिंदर नगर में सौरभ नाम के लड़के ने आत्महत्या कर ली है। इस पर पुलिस मौके पहुंची थी और मौके पे उसके पिताजी मिले हैं। धर्मवीर ने अपना कान अंकित कराया था कि उसका लड़का जो था वो मानसिक परेशान थे, इसी चलते उसने फांसी लगा आत्महत्या कर ली। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।